डियर एस्पायरेंट्स, मिशन एचपीएस 2021 सीरीज में आज हम हिस्ट्री पोर्शन में मॉडर्न इंडिया की क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से हम 1857 द वर्ल्ड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आप भी स्पेक्ट्रम में से इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिए। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द इनकरेक्ट मैच फॉर द सेंटर ऑफ रिवोल्ट एंड एसोसिएटेड ब्रिटिश ऑफिसर। अपने इनकरेक्ट मैच फाइंड करना है। फर्स्ट ए इज दिल्ली, दिल्ली में कौन था? जेम्स नील। बी इज कानपुर, सर ह्यूग व्हीलर। सी लखनऊ, हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैंपबेल। डी झांसी में सर ह्यूग रोज। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, दिल्ली, जिसको मैच किया गया जेम्स नील के साथ। बट जो जेम्स नील थे वो बनारस में थे, और दिल्ली में जो ऑफिसर्स थे वो थे जॉन निकोलसन, विलोफबाय एंड हडसन। ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है, तो यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव एस्केप्ड टू द जंगल्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड कंटिन्यू टू फाइट अ गुरिल्ला वॉर against Britishers during the 1857 revolt. 1857 revolt के time पे कौन से ऐसे leader थे जो central India के jungles पे भाग गए थे जब 1857 के revolt के time पे suppression start हो गया था, और लेकिन तब भी उन्होंने guerrilla war जो है वो continue की थी। तो इसके options है हमारे पास, A is Bakht Khan, B तांत्या टोपे, C अहमदुल्ला शाह, D कुंवर सिंह। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, तांत्या टोपे। तांत्या टोपे जो थे वो नाना साहब के क्लोज एसोसिएट थे, और बाद में ये रानी लक्ष्मीबाई को ज्वाइन कर गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलिंगटन। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। इस रिवोल्ट के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल क्राउन को ट्रांसफर कर दिया गया था, तो लॉर्ड कैनिंग ही इंडिया में फर्स्ट वाइसराय बने थे। तो इसलिए जो लॉर्ड कैनिंग है वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और फर्स्ट वाइसराय थे। तो क्वेश्चन फर्स्ट वाइसराय भी पूछ सकते हैं, तो उसमें भी आंसर लॉर्ड कैनिंग ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सर ह्यूग रोज डिस्क्राइब्ड हुम एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल। रोज ने 1857 रिबेल का बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर किसको कहा था? ऑप्शंस हैं बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह या फिर बहादुर शाह जफर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, रानी लक्ष्मीबाई। रोज ने रानी लक्ष्मीबाई को बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रिबेल डिस्क्राइब किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एजुकेटेड मिडिल क्लास इन इंडिया अपोज द रिवोल्ट ऑफ 1857, सपोर्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857, रिमेन न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857 या फिर फाउट अगेंस्ट नेटिव रूलर्स। 1857 के रिवोल्ट में एजुकेटेड मिडिल क्लास ने क्या किया था? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, रिमेन्ड न्यूट्रल टू द रिवोल्ट ऑफ 1857। मॉडर्न एजुकेटेड इंडियंस इस रिवोल्ट को बैकवर्ड लुकिंग समझ रहे थे, और वो ये समझते थे कि ब्रिटिश इंडिया में मॉडर्नाइजेशन लेकर आएंगे, इसलिए एजुकेटेड मिडिल क्लास इस रिवोल्ट में न्यूट्रल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस डिड कुंवर सिंह, अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 बिलोंग टू। कुंवर सिंह 1857 रिवोल्ट के एक इम्पॉर्टेंट लीडर थे, तो आपको बताना है कि ये कौन से प्लेस से बिलोंग करते थे। ऑप्शंस हैं बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, The revolutionary women who led the revolution of 1857 in Lucknow was, लखनऊ में कौन सी रेवोल्यूशनरी वुमेन थी 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे? ऑप्शन है लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई, अर्ना आसिफ अली या फिर बेगम हजरत महल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल को बेगम ऑफ अवध भी कहा जाता है,
और ये नवाब वाजिद अली शाह की सेकेंड वाइफ थी। लखनऊ में सर कॉलिन कैंपबेल के सप्रेशन के बाद हजरत महल को नेपाल में छुपना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लीडर ऑफ द रेवोल्यूशन ऑफ 1857 इन असम। 1857 के रिवोल्ट के टाइम पे असम में कौन सा लीडर था? ऑप्शंस है आपके पास दीवान मनीराम दत्त, कंदर पेशवर सिंह, पुरंदर सिंह या फिर प्याली बारुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए दीवान मनीराम दत्त। दीवान मनीराम ने असम में टी गार्डन्स एस्टेब्लिश किए थे। पहले ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलाई थे, लेकिन बाद में ये एंटी ब्रिटिश हो गए थे और 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था। ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी के कारण इनको हैंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी। 1857 के रिवोल्ट को हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी किसने कहा था? ऑप्शंस हैं सर जेम्स आउट्राम, सर जॉन के, सर जॉन लॉरेंस या फिर टी आर होम्स। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए सर जेम्स आउट्राम। इन्होंने इस रिवोल्ट को एज अ हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी समझा था टू ओवरथ्रो द ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया। टी आर होम्स ने 1857 के रिवोल्ट को एक कॉन्फ्लिक्ट बताया था, एक क्लैश बताया था बिटवीन सिविलाइजेशन एंड बारबरिज्म के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉडर्न हिस्टोरियन हु कॉल्ड द रिवोल्ट ऑफ 1857 एज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वॉज। 1857 के रिवोल्ट को फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसने कहा था? डॉक्टर आर सी मजूमदार, डॉक्टर एस एन सेन, वी डी सावरकर या फिर अशोक मेहता। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी वी डी सावरकर। वी डी सावरकर ने 1857 के रिवोल्ट को एज अ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कंसिडर किया था, जबकि जो आर सी मजूमदार थे उन्होंने कहा था कि ये रिवोल्ट ना तो फर्स्ट था, ना ही नेशनल और ना ही वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, बिकॉज कंट्री के जो बहुत सारे लोग थे उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ आज का लेक्चर यही पे एंड करते हैं। लेक्चर टू स्टैटिक जीके में हम सोशो एंड रिलीजियस मूवमेंट्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो उस टॉपिक को आप पहले से ही अच्छे से पढ़कर रखिए। चलिए मन लगाकर पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।